ये बोल रहे कि 4000 तो हम नीचे तक लेके जाएंगे, नीचे नहीं सॉरी वहां तक लेके जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और बढ़िया होंगे। तो फिर गाइस वेलकम है आप सब लोग का मेरे एक नए से व्लॉग में। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अपने गांव में सुबह सुबह, क्योंकि आज जाना है हमें पिकनिक पे गुलमर्ग, और हमारे साथ 6-7 लड़के और हैं, इरफान भाई भी है और बिलाल भी है। अभी टाइम हुआ 7 बजे, हमें इसलिए लेट हुआ क्योंकि जो हमने गाड़ी वाला किया था जुबैर भाई, उसने अपने बदले किसी और को भेजा है, खुद उसको कुछ काम था, लेकिन जो भेजा है ना उसको भी पहले कुछ काम था सुबह। तो अभी हमारा जो एक आदमी बिलाल वो उसी के साथ गया दूध पत्र, उसको वहाँ पे कुछ काम था, तो वहाँ से वो आते ही होंगे, उसने कॉल किया अभी तुम निकलो बाहर। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं कि दिन भर क्या प्रोसेस रहती है। तो फिर गाइस हम गुलमर्ग पहुँच चुके हैं और यहाँ का सीन ये देखो, बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। और ये देखो यहाँ पे बहुत समय के बाद मैं भी यहाँ आ रहा हूँ, वो जो यहाँ से मज़ा आता है ना वहाँ पे देखने के, वहाँ बहुत ही मज़ा है। तो अभी पहले चाय वाय पी लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं घूमने, देखते हैं कि पहले कहाँ जाते हैं। तो फिर गाइस ये देखो चाय हमने पी ली है और अभी यहाँ पे देखो आई लव गुलमर्ग, यहाँ पे ये लोग रील्स बना रहे हैं। आज हमने कैमरा वैमरा साथ में नहीं लाया क्योंकि फिर ना हमें हम घूम नहीं पाते अच्छे तरीके से। तो फिलहाल अभी हमें जाना है अफरवर्ड। तो फिर गाइस अभी हमें बहुत ही चलना है, लेकिन ये जो मेरे साथी हैं ना पीछे मेरे दोस्त, ये अभी चल ही नहीं रहे, पता नहीं वो कहाँ रह गए। बहुत ही चल रहा है, वो देखो कहाँ पहुँचे हैं। चलो देखते हैं कि वहाँ पर भी कितना मज़ा होगा, वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो बने रहिए। तो फिर हम गंडोला पहुंच चुके हैं, ये बोल रहे हैं पहले यह पे देख लेते हैं गंडोला भी कैसा होता है, हमने देखा है एक बार, लेकिन ये बोल रहे फिर भी हम देखेंगे, लेकिन हमें उसमें नहीं जाना है, हमें पैदल जाना है ऊपर, और देखते हैं क्या होगा। हम इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। यही से जाते हैं हम ऊपर। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, हमें तो जाना नहीं है बस देखना है। बस क्यों करो ब्रो भाई, ये चीज ही क्या ये बना, फिर भी भाई आपको दिखाऊंगे यहाँ से। अंदर तो हम नहीं जा सकते क्योंकि वो आर देना है ये क्यों है। ये देखो भाई अंदर है गंडोला, अभी हमें यहीं से जाना है ऊपर, हम लेकिन गंडोला में नहीं रह सकते और ना ही हमें जाना है। तो यहाँ पे पहले रील्स बना लेते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं और रखते हैं अपने ब्लॉग कंटिन्यू। तो भाई साहब एक बात में बुक कहना भूल ही गया कि अगर किसी को पता है कि कितने डिस्टेंस है यहाँ से, वहाँ से ऊपर तक, तो बोले तो अभी वहाँ जाते हैं, उसके बाद हमें जाना है महाराजा प्लेस। हाँ वो भी यही नहीं, वहाँ से जाना है मतलब जहाँ पे गंडोला है
वहाँ से हमने एक आदमी से पूछा, मतलब यहाँ से कितना दूर है, उसने बोला 3 किलोमीटर। तो वहाँ भी जाना है, फिर करते हैं डिसाइड के फिर किस जगह जाते हैं। तो वो बने रहिए, आज ब्लॉग में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो भाई साहब ये देखो, अभी हम इतने टॉप पे आए, तो अभी हम तीन ही चल रहे हैं, इरफान भाई आकीपुर में, बाकी सारे पीछे पीछे रह गए। तो देखो अभी भी कितना चलना है हमें। इस वक्त हम किस लोकेशन पे खड़े हैं, फिर आगे बहुत। तो ये देखो भाई साहब, ये वायर जो है ऊपर इनमें लगी हुई है गंडोला में, लेकिन ये उतनी हार्ड भी नहीं है जैसे रबर। ये देखो आराम से ऊपर हम इसको उठा सकते हैं और नीचे भी रख सकते हैं, ये जैसे रबर होता है वैसे ही। और ये देखो हमारी हालत पूरी तरीके से खराब, अभी भी बहुत चलना है हमें, बर्फ तक जाना है। फर्स्ट स्टेप इसका ख़त्म होता है वहाँ पे, अब उसके बाद दूसरा स्टेप लग जाता है, स्टार्ट हो जाता है वहाँ से दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप के बीच में जो है बर्फ आ जाता है, तो वहाँ तक जाना है। और हमारे जो बाकी बंदे हैं वो पीछे चल रहे हैं अभी, और वो तो आगे। तो गए अभी हम यहाँ पे पानी पी लेते और उनका भी वेट कर लेते जो हमें पीछे रह गए। उनका वेट हम नहीं करते, उनकी दे जाएंगे। नहीं उनका वेट करना पड़ेगा, उनका वेट करना पड़ेगा। कितने बजे पहुँचेंगे? तो यहाँ का एक ही चीज़ मुझे पसंद है, वो है पानी, क्योंकि ये सीधे ग्लेशियर से आता है, एक तो ठंडा भी होता है, दूसरा प्योर भी। तो अभी यहाँ पे पानी पीते हैं। कैमरा पकड़ो पे, हाँ बाजू में इसी। तू चौबाई के जाए यही बचे मछल बूत तफ खी फाइनली गए। वो देखो वहां पे बर्फ हमें नजर आया, लेकिन अभी भी बहुत चलना है। ये देखो अभी कितना चढ़ना है, वहाँ पे होगा उसका फर्स्ट स्टेप ख़त्म, वहाँ पे ऊपर वहाँ पे होगा फर्स्ट स्टेप ख़त्म, वहाँ से लगेगा फिर दूसरा। मतलब मज़ा मत, ये देखो भाई साहब पानी इतना ठंडा है ना। تُہۍ کَتہِ چھِو روزان؟ بارہمولہ؟ بارہمولہ چھا روزان؟ تُرناب بارہمولہ میں رہتے ہو؟ ہاں کس جگہ وہاں؟ ہلکا ڈونڈو کہاں کہاں پہ رہتے ہو تو تم بتاؤ؟ तो ये देखो भाई साहब यहाँ का सीन। ओ भाई साहब अभी हमें यहाँ से जाना है सीधे ऊपर। बच्चे ये जो वहाँ पे देख रहे हो आप, वो देखो वो यहाँ पे है, लेकिन वो बारामूला के है असल में, वो ही रहते हैं। देखो भाई साहब कितनी खूबसूरत है, अभी हमें वहाँ पे जाना है, वहाँ पे हम उन लोगों का भी वेट करेंगे। फेवरेट कलर है ब्लैक। तो भाई ये देखो ये है इसका फर्स्ट कंप्लीट होता है यहाँ पे, और हमारी गाड़ी जो है ना, मैं आपको थोड़ा जूम करा के दिखाता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे मेरी उंगली पहुँच रही है ना, वहाँ पे हमारी गाड़ी। और देखो हम कितने चल के आए,
इतना हम चढ़ के आए, और जो हमारे बाकी साथी है ना वो भी चढ़ ही रहे, उनका कोई पता ही नहीं है। ये देखो, गैस करो भाई कितनी डिस्टेंस होगी यहाँ से। लेकिन अभी भी हमें जाना है ऊपर, अभी भी वहाँ तक जाना है, बर्फ तक तो जाना ही है। मेरे हिसाब से तो जितना मैं थक चुका हूँ ना उस हिसाब से मुझे लगता है 5-10 किलोमीटर तो हो गई। अरे देखो अभी हम ही तीन आए हैं ऊपर, और बाकी वो भी यही कहीं होंगे, यहाँ से देखते नहीं है। तो व्लॉग में बने रहिए, अभी देखते हैं कि ऊपर जाते हैं कि नहीं, वो क्या बोलते हैं जो अभी आगे जो अभी चल रहे हैं ना, चलिए अभी देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं। तो फिर गाइस हम 5 लोग हैं अभी, हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, बाकी जो है वो सारे वहीं पर रह गए हैं, उन्होंने बोला कि हम यहीं पर रहते हम ऊपर नहीं जा सकते। तो अभी देखा हमें कहाँ जाना है, और बादलों के पास यहाँ से भी सीनरी बहुत ही अच्छी है, लेकिन वहाँ आगे। देखो भाई साहब फर्स्ट स्टॉप वहाँ पे ख़त्म होता है, उससे आगे भी हम इतना चढ़ के आए, अभी यहाँ पे देखो थोड़ा ही हमें चलना है फिर बर्फ़ आएगा। लेकिन यहाँ का सीन देखो आप, पहले कितना मज़ा है यहाँ पे। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें रिक्वेस्ट कि 1K करा दो मेरा यूट्यूब पे। फिर आज क्या गाइस बात, आज के सुन तल टीन लगे, आज के सुन तल टीन लाना, फिर इसे पे गोप छे। तो भाई साहब जितना हम ऊपर आ रहे हैं हमें लगता है कि बादल उतने ऊपर जा रहे हैं, फिर भी वो देखो स्नो आखिरकार पहुंच गए। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि हमें फिर पहुंचना कहाँ है, थोड़ा जूम करके वो देखो भाई साहब, वो देखो वहां पे है हमारी गाड़ी, ये देखो डिस्टेंस हमने कितनी कवर कर रखी है, और फिर भी हमें इतना चलना है। अभी देखो, और हम चार ही आए हैं, बाकी सारे वहाँ पे रह गए, वहाँ पे यहाँ पे रह गए सारे। सो अभी ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। चलिए गाइस, जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे इतने दूर से, ये देखो मतलब ये कोई मतलब 10 मिनट का सफर नहीं है। ये देखो भाई साहब ये रहा पर, और ये कितने पावरफुल होते, देखो कहाँ से आते, वहां से भाई साहब। और ये देखो अब हम यहाँ से देखो हम कैसे जाते हैं, अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और वहां देखो भाई साहब क्या सीन है, बहुत जबरदस्त। ओ भाई साहब उनके पास जाते हैं और उनसे बात करके आते हैं कि यहाँ से कितना रहे। और ये देखो भाई साहब बर्फ, और ये देखो चढ़ते किसको, मतलब कितने पावरफुल है ये। तो भाई साहब देखो अभी भी बहुत चढ़ना है, लेकिन यहाँ हम नहीं जाएंगे, हम थक गए। बिलाल और खास भाई दबसवाल 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 खास, ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, फोन है पियो बिलाल मुझे। अबे ओए मैं फिसल ही नहीं रहा हूँ। ये बोल रहे कि 4000 तो हम नीचे तक लेके जाएंगे, नीचे नहीं सॉरी वहां तक लेके जाएंगे, लेकिन उतना है नहीं हमारे पास, इसलिए हम ऐसे ही जाएंगे। अरे मैं तो लुना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी यहाँ पे थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ, फिर रखते हैं अपने ब्लॉग कंटिन्यू।
Forget what they doing, keep on doing that.